आपने मुझसे कुछ कहा? 1959 में फिल्म फेयर के लिए बेस्ट एक्टर कैटेगरी में तीन नॉमिनेशन थे, उनमें से एक नॉमिनेशन था देव आनंद फिल्म काला पानी के लिए। जो आंखों के सामने होते हुए भी दिखाई ना दी, उनके बारे में पूछने से क्या हासिल? आप ये बताइए कि जो बेकसूर आदमी आज 15 साल से जेल में बंद है, उसे आपका क्या रिश्ता नाता है? मैं उसका बदनसीब बेटा हूं। ओ दादा, इकड़े कसाला झोपला तुम्ही, तुमची खोली कुठे आहे? खोली सील झाली आहे लाड साहब, भाड़ा नहीं दिया ना, बहुत कोशिश कर ला। तो होटल में जाओ, यहाँ राज कपूर को नॉमिनेट किया गया फिर सुबह होगी फिल्म के लिए। अरे पन जाता है कि बंद कर दूं चौकी में, कहाँ जाऊं हवलदार साहब, इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, चलेगा नाक की चीज पकड़ के, उठ चलो। जाता हूँ हवलदार साहब। दिलीप कुमार को नॉमिनेट किया गया था फिल्म मधुमती के लिए। देवेन, इस तरह इसका क्या देख रहे हो? ये तस्वीर, ये खुद मैंने बनाई थी। क्या कह रहे हो? ये तस्वीर तो बहुत ही पुरानी होगी। वो मैं नहीं जानता, लेकिन इस पर अपने ब्रश के एक एक निशान को पहचानता हूँ मैं। 1959 का फिल्म फेयर मिला देव आनंद को फिल्म काला पानी के लिए। इनका कोई कसूर नहीं, कसूर वैजयंतीमाला को नॉमिनेशन मिला, मुझे माफ कर दो मां, बी आर चोपड़ा की फिल्म साधना के लिए। चली जा यहां से, मैं जाने के लिए ही आई हूं माजी, बस आखिरी बार इन चलूं। खबरदार, मुझे ना छूना पापन। वैजयंतीमाला को ही दूसरा नॉमिनेशन मिला फिल्म मधुमती के लिए। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? फिल्म फेयर के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक ही हीरोइन को दो अलग अलग नॉमिनेशन मिले हों। चाची, हाँ? चाची का दर्द के मारे सर फटा जा रहा है, मैं दबाने लगी तो मुझे परे हटा दिया। वैद्य से कोई सर दर्द की दवा ले आइए ना। उनके सर में दर्द नहीं है बेटा, दिल में है, और वो अपने आप चला जाएगा जब तू अपने घर चली जाएगी। अपने घर? हाँ बेटी, इसी बात का तो सारा फसाद है। गोपालपुर वालों ने शल्लो के बजाय तुम्हारा रिश्ता मांगा। मीना कुमारी को नॉमिनेट किया गया बेस्ट हीरोइन के लिए फिल्म सहारा के लिए। जिस गाड़ी का एक पहिया ऊंचा और दूसरा नीचा हो, वो एक दिन भी नहीं चल सकती। गरीब और अमीर का रिश्ता ना निभा तो निभेगा कैसे? नहीं, तुम्हारा हाल वो अच्छी तरह जानते हैं, और फिर भगवान का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है, उन्हें दान दहेज का कोई लालच नहीं। और चाचा जी, बेटी अपने ससुर और पति की सेवा करना। बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर मिला वैजयंतीमाला को, फिल्म थी साधना। ।1959 में नॉमिनेट किया गया जॉनी वॉकर को फिल्म मधुमती के लिए। मैं तुम्हें पाकर ही रहूं। सत्यानाश, बाबूजी तो काम से गई लेकिन साथ में अपनी भी छुट्टी हो गई। कैसे? मैं चाय लेके अंदर गया ना तो बाबूजी अकेले में न जाने किससे बातें कर रहे थे, पता नहीं क्या हो गया है।
रहम कर मेरे अल्लाह। रहमान को नॉमिनेट किया गया फिल्म फिर सुबह होगी के लिए। रहम कर। राम, पहचाना मुझे? मैं हूँ रहमान। डॉक्टर साहब, खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे डॉक्टर साहब। सोहराब मोदी को नॉमिनेशन मिला फिल्म यहूदी के लिए। ये खामोशी कैसी छा गई? क्या इंसाफ का तूफान ठंडा हो गया? रोमन अदालत के दरवाजे बंद हो गए? आदिल सुल्तान, क्या बेटे की मोहब्बत और फर्ज में जंग हो रही है? आला हजरत, एक मामूली यहूदन की फरियाद को शाही खानदान की इज्जत के तराजू पर नहीं तोला जा सकता। कानून रैयत के लिए है, बादशाहों और शहजादों के लिए नहीं। डूब मरो इस इंसाफ पर, आंसू बहाओ इस कानून पर, जो कमजोरों के लिए तलवार की धार और जबरदस्त के लिए बाग बहार है, जो अपने लिए नगमा एहसास और हमारे लिए मौत की आवाज है। यहूदी, तुम्हारे ही लिए पैदा हुए दुनिया के नजारे, चमकते हैं तुम्हारी रोशनी से चांद और तारे। तुम्हारा गम है गम, औरों का गम खावो कहानी है। तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है। लेकिन बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर मिला जॉनी वॉकर को फिल्म मधुमती के लिए।